चलिए गाइस, नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ये जो हमारी सीक्वेंस चल रहा है, हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें हम बोर्ड्स प्लस प्री बोर्ड, जरूर लिखा हुआ जरूर आपको थंबनेल पे प्री बोर्ड केक जो मैंने नाम दिया सीरीज का वो दिखेगा, लेकिन ये बोर्ड्स में भी है क्योंकि चैप्टर वाइज चल रहा है, तो बोर्ड्स में भी आपके यूज होगा। तो अभी हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, तुम लोग ठीक हो? सब मस्त हो? पढ़ाई वढ़ाई सब सही चल रही है? अब तो वी आर इन द एंड गेम, एंड गेम में अब एग्जाम्स आने वाले हैं। अब तो थोड़ा सा ना एक्सेलरेटर पे पैर दबा दो, मतलब थोड़ा सा पढ़ने की आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा दो। मान लो पहले 2-3 घंटे पढ़ रहे थे दिन में, तो 4-5 घंटे कर दो, मतलब थोड़ा सा ज्यादा कर दो अब, क्योंकि अब टाइम आ गया है। इट्स नवंबर भी खत्म हो रहा है, दिसंबर है, कम टाइम रह गया। तो अब जल्दी जल्दी सारी वीडियोज वगैरह देखना शुरू कर दो, पेन कॉपी लेके बैठा करो, खुद सॉल्व किया करो, सारी चीजें करना शुरू कर दो। ठीक है, और ये सारी वीडियोज जो मैं कह रहा हूँ, ये क्विक रिविजन में, ये आपकी जो वीडियो सीरीज चल रही है ना प्री बोर्ड के नाम से, ये आपकी प्री बोर्ड में भी काम आएगी, बोर्ड्स में भी काम आएगी, फॉर रिवीजन पर्पस भी काम आएगी। मान लो आपको किस चैप्टर का क्विक रिवीजन करना है, तो ये वीडियो देख लो। ये वीडियो मेरी ऑलमोस्ट 1 घंटे के अंदर ही होती है हर चैप्टर की, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यू गाइस। 1 घंटे में पूरा चैप्टर अगर रिवाइज हो रहा है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज हो रहे, तो और क्या चाहिए लाइफ में। ठीक है, तो इस चैप्टर में भी देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ रहे हैं या फिर फ्यूचर्स में आएंगे। ठीक है, समझ आ गई बात? डिस्क्लेमर आ गया, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन किस टाइप का। देखो तो इसमें कॉन्सेप्ट मैं नहीं बता रहा हूँ, इसमें मैं किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं वो बताऊंगा। तो वैसे बेसिकली अर्थमेटिक में थोड़ा सा मैं अगर आपको थोड़ा सा कुछ दे दूँ, तो एक तो फॉर्मूला ये वाला आपका चल रहा है सबसे इम्पोर्टेंट, टी एन इजल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये फॉर्मूला चल रहा है। और एक ये सम वाला एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो बेसिकली इन दो फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। अब किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं वो हम देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो चलते हैं क्विकली। तो गाइस पहला क्वेश्चन है, देखते हैं, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच, ये कंडीशन दे रखी है कि ए 21 माइनस ए 7 इज इक्वल टू 84, और हमें कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। कॉमन डिफरेंस मतलब टी की वैल्यू पूछ रहा है हमें। ठीक है, तो पहले तो मैं बता दूं, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है 2017 में, बोर्ड्स के एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ चुका है, तो काफी रिसेंटली आ चुका है और इजी भी क्वेश्चन है, एक नंबर में आ सकता है आपका ये क्वेश्चन। तो देखिए क्या सॉल्व करेंगे, कह रखा है हमें फॉर्मूला पता है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। इसको देखो कंफ्यूज मत होना, कुछ बुक में इसको टी एन इजल टू ए प्लस एन माइनस वन डी बोलते हैं, कुछ बुक में ए एन इजल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, जिसमें ये टी एन या ए एन आपका जो होता है वो लास्ट टर्म होता है, ए मतलब इनिशियल यानी कि फर्स्ट टर्म, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म, डी मतलब कॉमन डिफरेंस। तो कुछ बुक्स में टी एन से है फॉर्मूला, टी एन इजल टू ए प्लस एन माइनस वन डी है, कुछ बुक में ए एन है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना सबसे पहले। तो यार मेरा ये रहता है कि बच्चों को जहां जहां कंफ्यूजन हो सकती है ना, वो मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। ये वाला फॉर्मूला लगेगा आपका, कह रहा है कि ए 21 माइनस ए 7 की वैल्यू दे रखी है, ये कंडीशन दे रखी है कि 84 है, और हमें डी की वैल्यू निकालनी है। तो हम देखेंगे ए 21 क्या होगा। ए 21 अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से देखूं, फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये होता ना फॉर्मूला। तो इसमें कह रहा है ए 21, तो यानी कि एन की वैल्यू यहाँ 21 डाली, तो ए एज इट इज एन की वैल्यू 21 डालूंगा, तो 21 माइनस 1, डी एज इट इज, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस 21 माइनस 1 कितना होता है 20, और ये डी तो है ही, तो यानी कि ए 21 की वैल्यू होती है ए प्लस 20 डी, ये होती है। समझ रहे हो, डिटेल में समझा रहा हूँ तुम्हें। वैसे तो तुम्हें ए 21 देख के डायरेक्ट पता चल जाना चाहिए कि एन माइनस 1 यानी 21 माइनस 1 यानी ए प्लस 20 डी, ये आपको डायरेक्ट पता चलना चाहिए, लेकिन ये मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कैसे पहुंचते हैं हम कि ए 21 इज इक्वल टू ए प्लस 20 डी होता है। सिमिलरली ए 7 डी भी, चलो फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसको भी बता देता हूँ। यही फॉर्मूला लगेगा, ए एन इजल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ए 7 तो एन की जगह 7, ए प्लस एन की जगह 7 माइनस 1 और डी, तो ए प्लस 7 माइनस 1 60, तो यहाँ से ए 7 की वैल्यू क्या आ जाएगी ए प्लस 60। तो यहाँ पर भी आपको ये ए 7 देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ए प्लस 60 है, ये इतना बड़ा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बस अब इसको वैल्यू पुट करो, ए 21 की जगह ए प्लस 20 डी डालो, ए 7 की जगह ए प्लस 60 डालो, और उसको 84 के बराबर करके डी की वैल्यू निकाल लो। तो देखो कैसे निकालते हैं, बस अब तो कैलकुलेट का काम है, कर दो जी वैल्यू पुट। तो यहाँ पर ये है, तो इसकी जगह यहाँ येलो कलर से यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ, ए 21 की जगह ए प्लस 20 डी माइनस ए 7 की जगह ए प्लस 60, तो माइनस ए ब्रैकेट खुलेगा तो ये भी माइनस 60 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू क्या है 84, तो इक्वल्स टू 84 लिख दो, दिख रहा है ना आपको इक्वल्स टू 84। बस अब आप इसको सॉल्व करते चलो, तो ये एक ए प्लस का है, एक के माइनस का कट जाएगा, 20 डी माइनस 60 कितना होता है 14 डी, राइट हैंड साइड में तो 84 चल ही रहा है, तो
तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 84/14 यानी कि 6, 14 6 84 होता है, तो बस डी की वैल्यू 6 आ गई। ये फाइंड करना था मेरे को कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो ये मैंने आपको डिटेल में बताया कि ये ऐसे पहुंचा, इसको डायरेक्ट कर सकते थे आपने, जैसे a21 देखा था आप डायरेक्ट लिख सकते थे a+20d, जैसे आपने a7 देखा आप डायरेक्ट लिख सकते थे a+60। ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, तो डिटेल में करते हैं। 2017 में आ चुका है, 16 में आ चुका है और आता रहता है, और बेसिक क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट देखते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलेगा ये वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड द नाइन्थ टर्म फ्रॉम द एंड। इसमें देखो समझने वाली बात ये है, फाइंड द नाइन्थ टर्म यानी एन की वैल्यू तो 9 है, ठीक है, पर यहाँ पर बात कह रही है फ्रॉम द, बात कह रहा है फ्रॉम द एंड। तो हमारा जो नॉर्मल जो एपी का फॉर्मूला होता था, ये वाला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, वही लगेगा, लेकिन इसमें फ्रॉम द एंड हो गई तो क्या चेंज आएगा फॉर्मूले में वो जान लो, तो ये समझना जरूरी है वरना बच्चे गलत कर देते हैं। हमारा नॉर्मल फॉर्मूला ऐसा होता है ना, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये होता है हमारा नॉर्मल फॉर्मूला। तो हमें यहाँ पर एन की वैल्यू पता है, देखो वैल्यू क्या क्या पता है हमें, एन की वैल्यू पता है 9, ए की वैल्यू पता है फर्स्ट टर्म होता है 5, डी की वैल्यू पता है कॉमन डिफरेंस यानी दो टर्म के बीच में डिफरेंस, तो 5 + 4 + 4 + 4 है, 5 + 4 9, 9 + 4 13, तो डी की वैल्यू भी पता है। तो हमें एन भी पता है, ए भी पता है, डी भी पता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा देते अगर ये फ्रॉम एंड नहीं पूछा होता, नॉर्मली पूछा होता कि नाइन्थ टर्म बताओ नॉर्मली, लेकिन यहाँ पूछ रहा है एंड से, यानी यहाँ से हमें नाइन्थ टर्म बताना है। 185 से शुरू करेंगे जो कि एक लास्ट टर्म है, तो वहां से, तो इस जब एंड फ्रॉम द एंड पूछ रहा है, तो इस फॉर्मूले में क्या चेंज आता है, सारे साइन जहाँ प्लस है वो माइनस हो जाते हैं, और ए की जगह यहाँ पर ए की जगह क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म आ जाएगा। यहाँ पर ए फर्स्ट टर्म पूछता है यानी कि 5 डालेंगे, यहाँ पर लास्ट टर्म, तभी तो ये लास्ट टर्म दे रखा है क्वेश्चन में 185। तो यहाँ पर फॉर्मूला ये हो जाता है एल, वो साइन चेंज हो जाता है प्लस की जगह माइनस, एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला हो जाता है आपका ए एन का या nth टर्म का, समझ रहे हो आपको। तो बस ये वाला फॉर्मूला डाल दो और वैल्यू पुट कर दो, सारी चीज पता ही आपको। एल की वैल्यू क्या है 185, डाल दिया 185, माइनस एन की वैल्यू क्या है 9, डाल दिया 9 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है 4, डाल दो 4, सॉल्व कर दो अब इसको, 185 माइनस 9 माइनस 1 8, 84 जो 32, तो 185 माइनस 32 कितना होता है 153। तो बस ये पूछ रहा, नाइन्थ टर्म पूछ रहा था फ्रॉम द एंड, तो यहाँ से जो हम गिनना शुरू करेंगे तो नाइन्थ टर्म होगा 153। तो ये समझ लो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में आ रखा है, और यहाँ पर ये फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना तुम, ये चेंज होता है, नॉर्मल हमारा फॉर्मूला ये होता है, लेकिन जब भी फ्रॉम द एंड की बात करें तो सारी चीजें माइनस में हो जाएगी, एल माइनस हो जाएगा और ए की जगह एल यानी कि लास्ट टर्म लेंगे, इसमें हम फर्स्ट टर्म लेते हैं और इसमें लास्ट टर्म लेते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और कौन सा आएगा इम्पोर्टेंट पेपर के लिए। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी, और नीचे एक एपी दे रखा है 17 12 7 2, ऐसे चलता जा रहा है। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, आई होप। क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या -150 कोई टर्म होगा, ये जो एपी चल रही है इसमें किसी पॉइंट पे -150 आएगा, तो हमें ये बताना है हाँ या ना। तो सबसे पहले तो जान लो कि क्वेश्चन आपका पेपर में आ चुका है बोर्ड में 2011 में और 17 में भी आया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे गलत करते हैं वाला क्वेश्चन, तो ध्यान से सुनो। क्वेश्चन समझ आ गया, ये एक एपी दे रखी है जो चल रही है ऐसे 17 12 7 2, और बोल रखा है क्या -150 इस एपी का टर्म है, तो हम कैसे बताएंगे। देखो हम सबसे पहले तो जो जो चीजें हमें पता है वो लिख लेते हैं साइड में, सबसे आसान तरीका क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो हमें ए पता है, ए यानी कि फर्स्ट टर्म, तो ए की वैल्यू 17, ठीक है। उसके बाद हमें ये पूछ रहा है कि -150 टर्म है, तो यानी कि ए एन पता है -150, लेट करेंगे हम लेट, क्योंकि अभी हमें तो पता नहीं है, लेकिन ए एन की वैल्यू -50 लेट करेंगे, अज्यूम करेंगे, ठीक है, -50 ए एन। उसके बाद हमें डी पता है, डी हम निकाल सकते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है, तो कोई भी दो टर्म ले लो और देख लो उनका कैसा पैटर्न है, तो 17 - 12 - 5 - 12 - 5 - 7, तो 5 5 माइनस हो रहा है, तो यानी कि डी की वैल्यू -5 आ गई, माइनस हो रहा है ना इसलिए -5, ये देखो कम हो रहा है 17 12 7 कम होता जा रहा है नंबर, तो -5। तो हमें ए पता है, ए एन पता है, डी पता है, अब हमें ये बताना है कि ये जो ए एन की वैल्यू -150 है क्या वो इस ए पी का टर्म है कि नहीं है, तो वही हमारा फॉर्मूला कौन सा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। इस वाले फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज हमें जो हमने पता है क्वेश्चन के हिसाब से वो डाल के देख लो, तो ए एन की वैल्यू -150 डाल दी भाई, -150
ए की वैल्यू 17 डाल दी भाई 17, प्लस एन की वैल्यू हमें पता करनी है भाई कि भाई अगर एन मतलब कौन से नंबर के टर्म पे आएगा ये -50, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म, तो एन की वैल्यू तो हमें निकालनी है, डी की वैल्यू -5, इसको सॉल्व करो। ये तो -150 रहेगा, ये 17 रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या बचेगा, ये हो जाएगा -5n और +5, यहाँ तक आ गए। इसको और आगे यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ तो ये -150 इज इक्वल टू 17 + 5 कितना होता है 22, -5n, ठीक है। उसके बाद इस 22 को का अगर मैं उधर भेज दूँ तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -172, और इधर होगा -5n, ठीक है। ये माइनस से माइनस साइन कटा तो एन की वैल्यू आ जाएगी 172/5, तो इसको जब हम काटेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा 5 3 15, 5 4 20, 34.4 कुछ आ जाएगा भाई। नंबर ऑफ टर्म पॉइंट में कैसे आ सकता है भाई, एन का मतलब होता है टर्म, मतलब ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है, ये कह रहा है 34.4th टर्म, तो 34.4th टर्म तो कुछ नहीं होता एपी में। इसका मतलब ये जो हम वैल्यू है -150 जो हमने अज्यूम की थी कि वो इस एपी में होगी वो नहीं है, तो इसका आंसर होगा, ये पूछ रहा था ना कि -150 इस एपी में है कि नहीं है, तो इसका आंसर होगा नहीं है, ये -150 इस एपी का टर्म नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एन की वैल्यू देख लो, ये नंबर पॉइंट में आ गया और पॉइंट में कोई नंबर ऑफ टर्म तो ही ना हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, इसको दोबारा सुन लेना अगर समझ नहीं आया तो सेकंड टाइम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पेपर में आ चुका है ये। चलिए गाइस ये वाला क्वेश्चन देखो, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज 109, तो मतलब हमें ये एपी दे रखी है, ये चलते चले जा रही है, डॉट डॉट मतलब चल रही है, और पूछ रखा है कि इस एपी में जो 109 भी आएगा तो वो कौन सा टर्म होगा, तो अपना वही वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, ये वाला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो हमें टर्म पूछ रहा है, यानी हमें बेसिकली एन की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये है फॉर्मूला, और क्वेश्चन से हमें क्या क्या पता चल रहा है, हमें ए पता है, ए यानी कि फर्स्ट टर्म ये क्या है 4, तो ए की वैल्यू पता चल गई हमें 4, डी भी पता चल रहा है, दो कॉमन डिफरेंस ले लो, ये 4 + 5 9, 9 + 5 14, 14 + 5 19, तो कॉमन डिफरेंस 5 5 ऐड हो रहा है, तो डी की वैल्यू आ गई 5, और उसके बाद हमें ए एन की वैल्यू भी पता है भाई, यही टर्म है ना, तो ए एन की वैल्यू 109 भी पता है, तो हमें सारी इन्फॉर्मेशन पता है, एन हमें फाइंड करना है, इस फॉर्मूले में डालो सीधे आंसर निकालो, बेसिक क्वेश्चन हो गया अब। तो ए एन की जगह 109, ए की जगह 4 प्लस एन की वैल्यू हमें निकालनी है, तो एन माइनस वन डी की वैल्यू 5, सॉल्व करो उसको, 109, 4 को मैं उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 109 माइनस 4 कितना होता है 105, इसको मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट को 5n माइनस 5, इस 5 को उधर भेज दूंगा तो प्लस 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा 110 इज इक्वल टू 5n, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ आगे, तो एन की वैल्यू आ गई 110 अपॉन 5, सॉल्व कर दो 5 टू जाए 10, 5 टू जाए 10, तो एन की वैल्यू हो गई 22, तो इसका मतलब ये जो ऐसे ही जो टर्म चलता जाएगा उसमें जो 22nd टर्म होगा वो 109 होगा, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ऐसे चलते 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 एपी जब चलेगी तो उसका जो 22nd टर्म होगा वो 109 होगा, और ये पूछा था क्वेश्चन में, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड हो गया, और ये क्वेश्चन आपके आ चुका है 2011 में 12 में बोर्ड में आ चुका है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको इस फॉर्मूले पे, ठीक है। चलो और देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर्स में। चलिए भाई ये क्वेश्चन देखो, ये 2 मार्क में आते हैं वाले क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन है ना 2 मार्क में आते हैं, देखो ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं 2016 12 17, मतलब 11, मतलब आते ही हैं इस तरह के कंडीशन वाले क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, ऐसे कुछ कंडीशन दे रखा होता है और आपको सॉल्व करना होता है, जैसे यहाँ पर क्या कंडीशन दे रखी है कि द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0, तो मतलब फोर्थ टर्म यानी कि जब भी ये टर्म हो तो हम कैसे लिखते हैं ए प्लस 3d, फोर्थ टर्म को ऐसे लिखते हैं, यार ये फॉर्मूला लग रहा है ना, ये देखो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, और कह रहा फोर्थ यानी एन की वैल्यू 4 है, तो क्या होगा ए प्लस एन की वैल्यू 4 डालूंगा तो 4 - 1d यानी कि ए प्लस 3d, तो वही तो है ये फोर्थ टर्म यानी ए प्लस 3d, अगर फिफ्थ टर्म बोलो तो ए प्लस 4d, तो ऐसे लिख लिया करो बिना कैलकुलेट करे। तो इसमें क्वेश्चन में ए प्लस 3d की वैल्यू क्या दे रखी है 0, तो ए प्लस 3d यानी कि फोर्थ टर्म है, तो फोर्थ टर्म की वैल्यू होगी 0। तो इससे हम ये जो इक्वेशन हमारी बनी यहाँ से यहाँ तक हमने जो पढ़ा, इससे हम ए की वैल्यू -3d ले सकते हैं। अब ये ए की वैल्यू -3d हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको यूज करेंगे। चलो आगे पढ़ते हैं, फिर आगे कह रहा है प्रूव दैट द 25th टर्म, तो 25th टर्म मतलब मैंने क्या बोला, ऐसे लिख दिया करो डायरेक्ट ए प्लस 24d, जैसे टर्म के बाद है ए प्लस 24d, तो कह रखा है प्रूव हमें प्रूव करना है कि 25th टर्म ऑफ एन एपी इज मतलब इज इक्वल टू, होता है वर्ड प्रॉब्लम में इज इक्वल टू थ्री टाइम्स इट्स 11th टर्म, तो 11th टर्म यानी क्या होगा ए प्लस 10d, तो लिख दो 3 टाइम्स ए प्लस
10 डे। अब ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इस पूरी इक्वेशन में ए की जगह हम ये जो हमने यहाँ से निकाला था, ए की जगह -3d पुट कर दो, तो ए की जगह -3d पुट करूंगा तो यह कितना हो जाएगा, -3d प्लस 24d, इधर क्या होगा, ये होगा 3a प्लस 30d है ना, तो ए की जगह अगर मैं -3d डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मैं दोबारा लिख लेता हूँ, ये -3d है, 24d है, तो ये कितना हो गया, ये 21d हो गया, और यहाँ पर ए की जगह -3d डालूंगा तो -9d प्लस 30d, तो ये हो गया 21d लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में भी 30 - 9 कितना होता है, 21d। प्रूफ तो कर दिया अब हमने, देख लो, प्रूफ दैट 25th टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू द 11th टर्म, तो देख लो बराबर आ गए दोनों, 21d इज इक्वल टू 21d, तो हेंस प्रूव्ड, समझ रहे हो, तो हमने ये प्रूव कर दिया है जो क्वेश्चन में जो कंडीशन दे रहा था कि 25th टर्म और जो एपी का है वो 3 टाइम्स 11th टर्म का, तो हमने प्रूव कर दिया। कैसे प्रूव किया, ये जो पहली कंडीशन दे रखी थी उससे हमने ए इज इक्वल टू -3d निकाला और फॉर्मूले में ए की जगह -3d डालते रहे, तो देखो हमने ये प्रूव कर दिया दोनों बराबर है, ये तो प्रूव करना था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट इस तरह के कंडीशन वाले क्वेश्चन 2 मार्क्स में आते हैं आपके पेपर में, बोर्ड में, ठीक है, बोर्ड या प्री बोर्ड में 2 मार्क्स के आते हैं। चलो एक एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ इसी कॉन्सेप्ट पे, ऐसे कंडीशन वाले पे, ठीक है, और देखते हैं। चलिए गाइस ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ो पहले। द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 20 एंड 13th टर्म ऑफ एन एपी इज 32। एपी बताना है हमें, मतलब हमें सीक्वेंस बताना है, तो कोई भी सीक्वेंस हम एपी बताने के लिए हमें एक तो ए इनिशियल टर्म पता चल जाए और उसका कॉमन डिफरेंस पता चल जाए, तो यानी ए और डी की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो हम एपी बना सकते हैं। तो हम ये जो ऊपर दो कंडीशन दे रखी है इसमें से हम ए और डी की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे, फिर एपी बना देंगे। तो देख लो पहली कंडीशन क्या रखा है, 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 20, तो 7th टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 6d, ये मैं बता सकूं कैसे लिखते हैं, ठीक है, 7th टर्म है तो ए प्लस 6d, उसकी वैल्यू दे रखी है 20, तो हो गया 20। और क्या रखा है, 13th टर्म की वैल्यू दे रही है 32, तो इसको भी लिख लो, 13th टर्म को कैसे लिखोगे, ए प्लस 12d, एक कम हो जाता है ना, n माइनस 1 इज इक्वल टू 32, तो ये दोनों हमें दे रखा है, हमें एपी फाइंड करना है। तो हम ये दो इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, इन दोनों से हम ए और डी की वैल्यू निकाल लें हम किसी तरीके से। तो देखो कैसे निकालेंगे, मैं क्या कहता हूँ, अब इक्वेशन सेकंड माइनस वन कर दो, सेकंड माइनस वन कर दो, तो जब सेकंड माइनस वन करोगे यहाँ करता हूँ, तो ए प्लस 12d माइनस लेफ्ट हैंड साइड वालों को कर ले पहले, माइनस ए माइनस 6d, उसके बाद 32 माइनस 20, ये कर दिया ना मैंने सेकंड माइनस वन, तो ए से ए गया, 12d माइनस 6d 6d, 32 माइनस 20 12, तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई 12/6 यानी कि 2, तो d की वैल्यू तो मिल गई, ठीक है, तो डी की वैल्यू मिल गई हमें। अब इस डी की वैल्यू को चाहे इक्वेशन सेकंड में डाल लो चाहे इक्वेशन फर्स्ट में डाल लो, तो ए की वैल्यू भी आ जाएगी। मान लो मैं फर्स्ट में डाल रहा हूँ डी की वैल्यू, तो यहाँ पर मैं डालता हूँ ए एज इट इज, डी की वैल्यू 2 डाली तो 6 × 2 = 12 इज इक्वल टू 20, ये 12 उधर जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 - 12 = 8, तो हमें ए मिल गया 8, डी हमने निकाल लिया था 2, तो ए और डी दोनों मिल गया, अब एपी नहीं बना सकते, बना दो। तो ए यानी कि फर्स्ट टर्म हमारा होगा 8 और 2 का कॉमन डिफरेंस होगा, यानी सेकंड टर्म होगा 8 + 2 = 10, थर्ड टर्म होगा 10 + 2 = 12, फोर्थ टर्म होगा 12 + 2 = 14, और ऐसे चल रहा होगा, तो ये हमारी एपी बन गई, ठीक है, तो एपी बन गई। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, ये भी आ चुका है पेपर में आपके 2012 में आ चुका है, ठीक है। तो चलो और देखते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, समझ आ गया ना, एपी बना दिया हमने। चलो और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस किस टाइप के आपके पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। चलिए गाइस ये वाला क्वेश्चन देखो, अब ये वाले क्वेश्चन ना पहले बहुत आते थे 2011 12 वगैरह में, पर कुछ पता नहीं है बोर्ड्स में, मैं जैसे कि मैंने बोला आ चुके हैं तो अब दोबारा रिपीट भी हो सकते हैं। मेन चीज ये है कि आपको इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने की अप्रोच पता होनी चाहिए, तो इसलिए क्वेश्चन भी मैंने इसमें इन्वॉल्व किया है। तो देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 6। तो 2 डिजिट नंबर यानी 10 से शुरू होते हैं हमारी गिनती में, हमारी काउंटिंग में, 9 तक तो सिंगल डिजिट है, फिर 10 से 2 डिजिट नंबर शुरू होते हैं और 99 तक चलते हैं, ठीक है, उसके बाद 100 तो 3 डिजिट हो जाता है ना। लेकिन ये कह रहा है ऐसे 2 डिजिट नंबर जो 6 से डिविजिबल हो, तो पहला जो 6 से 2 डिजिट का नंबर जो डिविजिबल होता है वो होता है 12, ये होता है ना, 12 भी तो होता है, 10 थोड़ी ना होता है ना, 11 होता, तो पहला 2 डिजिट नंबर होता है 12, फिर उसके बाद 6 का टेबल पढ़ लो बस, 18 होता है, 24 होता है, 30 होता है, तो ऐसे चलते 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 लास्ट नंबर जो होता है 6 से डिविजिबल होता है 96, 16 टाइम्स में चल जाता है, 16 × 6 = 96, ठीक है। तो ये हमारी एपी बन गई। अब ये पूछ रहा है कितने हैं, मतलब कितने ऐसे टर्म होंगे बेसिकली जो 6 से डिविजिबल होंगे, तो कितने टर्म है, तो बेसिकली हमें ये n की वैल्यू पूछ रहा है, कितने टर्म है इस एपी में, ये n की वैल्यू पूछ रहा है बेसिकली हमें। तो हमें a पता है 12, ठीक है, a पता चल गया हमें
लास्ट टर्म यानी कि एन हमें पता चल गया कितना है, एन लास्ट टर्म 96, एन भी पता है। डी हमें पता चल गया कॉमन डिफरेंस, सब में छे छे का टेबल चल रहा है, ठीक है, तो 6, तो मैं सारी चीजें पता है, हमारा फॉर्मूला हमें पता है, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो हम इस फॉर्मूले में सारी चीजें डाल के एन नहीं फाइंड कर सकते, सिंपल क्वेश्चन हो गया आप तो ये। तो ये अप्रोच ये थी, आपको ये समझना था ये क्वेश्चन पढ़ के, ठीक है। तो अब सब वैल्यू पुट करो और एन की वैल्यू निकालो। तो एन की जगह 96 डाला मैंने, दूसरे कलर से करता हूँ, एन की जगह 96 डाला, ए की जगह 12 डाला, प्लस एन हमें निकालना है तो एन माइनस वन, डी की जगह 6। इसको सॉल्व करो अब आप, इतना आप पे छोड़ू इसको, चलो आप सॉल्व, चलो यार मैं ही कर देता हूँ, इसको सॉल्व करो ना, 12 उधर चला जाएगा तो 96 माइनस 12 कितना होता है 84 इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करो ब्रैकेट को, तो 6n माइनस 6, 6n माइनस 6, ठीक है भाई, 6n माइनस 6, अब इस 6 को उधर भेज दो तो प्लस में हो जाएगा, तो 84 प्लस 6 90 इज इक्वल टू 6n, तो यहां से n की वैल्यू होगी 90 बाय 6 जो कि होता है 15। तो बस मिल गया हमें टोटल 15 ऐसे डिजिट्स होंगे, टोटल हमने 15 ऐसे डिजिट होंगे, टू डिजिट नंबर जो 6 से डिविजिबल होंगे, सॉल्व कर दिया हमने, समझो अप्रोच देख ली। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ चुके हैं, तो ये भी देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सारे टाइप के क्वेश्चन कवर कर लेंगे हम इसी वीडियो में, ठीक है। वाला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में भी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में रिपीट होता है, 2015 16 17 कंटिन्यूसली रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या फाइंड कर रहे हैं, इसमें हमें फाइंड करना होता है मिडिल टर्म, हमें एपी दे रखा होता है और उसका हमें मिडिल टर्म फाइंड करना है, तो मिडिल टर्म मतलब बीच वाला टर्म। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस तरह के क्वेश्चन में हम पहले एन फाइंड कर लेंगे, एन हमारा जो फॉर्मूला होता था ना ये वाला, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये तो फॉर्मूला है बस हमारा और एक सम का है, तो इसके इसमें हमें एन फाइंड करना होगा पहले, फिर एन फाइंड कर देंगे उसके बाद फिर मिडिल टर्म का फॉर्मूला होता है एन प्लस वन बाय टू, ये मिडिल टर्म का फॉर्मूला होता है, तो मिडिल टर्म हमें पता चल जाएगा कौन सा होता है हमारा, ठीक है। तो हम पहले एन फाइंड करते हैं इसमें, तो हमारे पास ये एपी दे रखा है, तो एपी में ए यानी कि फर्स्ट टर्म हमें पता है 6 है, ठीक है, और एन हमें फाइंड करना है, डी भी हमें पता है, डी यानी कॉमन डिफरेंस देख लो सब में 7 7 ऐड हो रहा है, 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 7 20, ऐसे चलता जा रहा होगा 2016 तक, 2 216 तक, तो डी की वैल्यू भी आ गई 7, ए भी पता है डी भी पता है, ठीक है, और हमें एन फाइंड करना है, और ए एन, ए एन मतलब लास्ट टर्म भी पता है हमें 216, तो ए एन भी पता है 216, सारी चीजें पता है हमें एन फाइंड करना है, तो इस फॉर्मूले में डाल के एन फाइंड कर लो पहले, तो फॉर्मूले में डाल लो सीधे एन की जगह 216, ए की जगह 6, प्लस एन हमें फाइंड करना है तो एज इट इज, डी की वैल्यू 7, इसको सॉल्व करो, तो इस 6 इधर जाएगा, तो 216 माइनस 6 210, एन माइनस 1 7, और सॉल्व करो इसको, ब्रैकेट खोलो 7n माइनस 7, और इधर लेफ्ट में तो 210 है ही, इस 7 को इधर भेजो तो प्लस में हो जाएगा, तो 217 और 7n, अब यहाँ से n की वैल्यू मैं आगे यहाँ फाइंड कर रहा हूँ, तो n की वैल्यू आ जाएगी 217.7, कोई दिक्कत यहाँ तक, तो n की वैल्यू क्या आ गई 31, 7 21 1 31, ठीक है, n की वैल्यू हमें मिल गई, हमें क्या फाइंड करना है मिडिल टर्म। अब देखो मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या है, ये n प्लस 1 बाय 2, तो n हमें पता चल गया 31, तो फॉर्मूले में डालो मिडिल टर्म के, तो n यानी कि 31 प्लस 1 अपॉन 2, तो कितना हो गया 31 प्लस 1 32, 32 बाय 2 16, तो जो मिडिल टर्म होगा वो 16th टर्म होगा, 16th टर्म मिडिल टर्म जो होगा वो 16th टर्म होगा, तो हमारा जो मिडिल टर्म होगा वो 16th टर्म होगा, लेकिन इसकी वैल्यू भी तो फाइंड करो, 16th टर्म कौन सा होगा, जैसे पहला टर्म 6 है, दूसरा टर्म 13 है, तीसरा टर्म 20 है, तो जैसे 16th टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है ना, हमें मिडिल टर्म फाइंड करना है, तो 16th है, तो हमें पता है 16th टर्म का फॉर्मूला क्या होता था, a प्लस 15d, ये मैंने आपको बताया था ना, वो भी इसी फॉर्मूले से आता है, n की जगह 16 डालो तो a प्लस 15d आ जाएगा, ठीक है, तो 16th टर्म की वैल्यू कैसे निकलेगी, a प्लस 15d, तो हमें a भी पता है, d भी पता है, इसमें डालो 16th टर्म की वैल्यू आ जाएगी, ये ब्लू कलर से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो a की जगह 6 प्लस 15 और d की जगह मल्टीप्लाई 7, तो सॉल्व करो 15 6 90 105 15 7 105 प्लस 6 111, तो इसका आंसर होगा 111 यानी कि 111, तो मिडिल टर्म हमारा होगा 111 जो कि है 16th टर्म। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे, तो आप इसके लिए रेडी रहो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में ये कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है आपके, ठीक है, समझ आ गया वाला मिडिल टर्म फाइंड करने वाला क्वेश्चन, दोबारा सुन लेना इसको,
चल देखते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। चलिए गाइस ये वाला क्वेश्चन देखो, अब आपके सम वाले क्वेश्चन आ गए, सम वाले फॉर्मूले के। सम का फॉर्मूला पता है ना आपको? नहीं पता यार, क्यों नहीं पता? ये होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन टी, ये होता है। अब इस वाले फॉर्मूले पे आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीन चार, तीन नंबर में या चार नंबर में ये वाले क्वेश्चन आते हैं, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, एक एपी चल रहा है, बी टेकन सो दैट द सम इज जीरो। तो ये कह रहे हैं कि ये जो एपी चल रहा है 65, 60, 55, ये जो चलता चला जा रहा है एपी, इसके कितने टर्म्स का हम सम करेंगे तो जीरो आ जाएगा, ये कह रहा है। ये नहीं समझ आया क्वेश्चन? मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। ये कह रहा है ये जो एपी चल रहा है इसके कितने टर्म तक का हम सम लें, मतलब इन तीनों का सम लें या और पांच का सम लें, दस का सम लें, कितने टर्म का सम लें कि वो सम जीरो हो जाए। तो बेसिकली एस एन की वैल्यू जीरो दे रखी है, बोल ही रखा है। ए की वैल्यू हमें पता है 65 फर्स्ट टर्म, डी की वैल्यू यानी कि कॉमन डिफरेंस, तो देख लो सब में पांच पांच घट रहा है, 65 से 60, 60 से 55, ऐसे कम होता चला जा रहा है। तो यानी डी की वैल्यू -5 होगी, ध्यान रखना, 5 मत लिख देना, कम कम हो रहा है ना, कम यानी कि -5। तो हमें एस एन की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है। कह रहा है कितने टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स, तो यानी बेसिकली हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर सम वाला फॉर्मूला लगेगा, सम की बात हो रही है, तो सारी चीजें हमें पता है, इस फॉर्मूले में डालो सीधे सीधे, नहीं डाल सकते डालो। तो एस एन की वैल्यू जीरो डाल दी मैंने, एन की वैल्यू हमें निकालनी है, तो एन बाई टू टू ए, ए की वैल्यू 65, तो 65 इंटू टू डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ 130 प्लस एन माइनस वन, और डी की वैल्यू क्या है -5, तो ये -5। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है? तो अब इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एन की वैल्यू आ जाएगी, एक तो आएगी 27 और एक आएगी जीरो, ठीक है? तो जो जीरो आएगी वो हम ले नहीं सकते क्योंकि टर्म के भाई नंबर ऑफ टर्म जीरो थोड़े ना हो सकते हैं, ये तो एपी चल रहा है, तो यानी कि नंबर ऑफ टर्म होगा 27। तो इसका आंसर होगा एन की वैल्यू 27। इसको आप सॉल्व कर लेना, कन्फ्यूज मत होना, इसको आप सॉल्व करना है डायरेक्ट मैथमेटिक्स से, ठीक है? तो एन की वैल्यू 27 आएगी, तब हम 27 टर्म तक ही जो एपी में ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, ऐसे 27 टर्म तक जब चलेगा और उन सबको जब हम ऐड करेंगे तो उनका सम जीरो आएगा। तो ये था क्वेश्चन, एन की वैल्यू 27, समझ आ गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते ही रहते हैं कंटिन्यूसली। और देखते हैं इस सारी, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, इन्हीं में से आएंगे सारे क्वेश्चंस इन्हीं टाइप के। और देखते हैं नेक्स्ट, चलिए गाइस ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आपका आता है। तो इसमें जो फॉर्मूला आपका यूज हो रहा है वो आपको इंट्रोड्यूस कर दूं और बता दूं, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया है। बाय द वे क्वेश्चन आपका 2014 में आ चुका है, 2014 में आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है, ठीक है? तो कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं है कि ऐसे ही करवा रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म ऑफ एन एपी। तो हमें पहले ही पता चल गया एन की वैल्यू 25 है, क्योंकि 25 टर्म की बात हो रही है। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज गिवन बाय ये। तो nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म की वैल्यू इस फॉर्मूले से या इस कंडीशन से दे रखी है। तो भाई देख लेते हैं हम, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, अगर एन की जगह मैं वन डालूँ तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ जाएगी, तो मैं डालता हूँ एन की जगह वन, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ जाएगी टू माइनस थ्री, एन की जगह वन डाला तो क्या आएगी टू माइनस थ्री माइनस वन, तो ये फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई। अगर मैं nth टर्म यानी कि यहाँ 25 टर्म की बात हो रही है, तो 25th टर्म की अगर मैं वैल्यू निकालूँ सिमिलरली इसी कंडीशन के हिसाब से, तो क्या होगी, एन की जगह 25 डालूंगा, टू माइनस थ्री, एन की जगह 25 डाला तो टू, 25 माइनस थ्री, और 25 इंटू थ्री 75, 25th टर्म यानी कि लास्ट टर्म की वैल्यू आ जाएगी -73। तो अब देख लो, ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म को हम ए बोलते हैं, और ये हो गया आपका लास्ट टर्म जिसको हम एल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट टर्म यानी 25 टर्म के सम की बात हो रही है, इसलिए लास्ट टर्म ये 25 वाला ही होगा। तो बस अब सम कर दो इसका, सिंपल सी बात है। तो अब इसमें सम का ये वाला फॉर्मूला लगेगा आपका इजीली, एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये भी फॉर्मूला होता है एक सम का। तो ये बताने के लिए मैंने क्वेश्चन लिया कि एक फॉर्मूला सम का ये वाला भी होता है, तो इस क्वेश्चन में ये वाला लगेगा फॉर्मूला, देख रहे हो ना आप, एन बाई टू ए यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस एल यानी कि लास्ट टर्म, समझ रहे हो? तो लगा दो बस, ए और एल की वैल्यू हमने निकाली ली इस कंडीशन में जो क्वेश्चन में दे रखे टी एन इज इक्वल टू टू माइनस थ्री एन से। चलिए अब सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो बस। तो एस एन की वैल्यू हमें निकालनी है यानी कि सम की वैल्यू,
जो कि एन की वैल्यू कितने टर्म के सम की, 25 की, तो एस 25 की निकालनी है, एन की वैल्यू 25 है अपॉन 2, ए की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की -1, लास्ट टर्म की वैल्यू हमने कैलकुलेट की -73। सॉल्व कर दो बस इसे, 25/2 ये हो गया -1 और -73 इंटू में -74, ये कटेगा 37 टाइम, तो 25 इंटू -37 इसका आंसर होगा। सॉल्व कर दो, 25 इंटू -37 कितना होता है, 250, 250 3 बार 250 यानी कि 750, और इसके बाद एक बार 925, तो इसका आंसर होगा -925 इसका सम, ये हमने निकाल दिया। समझ आ गया क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में सम का आपको मैं ये वाला फॉर्मूला दिखाना चाह रहा हूँ कि ये वाला फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है? वो कैसे सॉल्व करना है देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सारे इंपॉर्टेंट है पर ये भी है क्योंकि ये वाला फॉर्मूला बच्चे लगभग सम का भूल जाते हैं करना रिवाइज, तो इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं, ठीक है? देखें नेक्स्ट, चलो चलिए गाइस ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें भी आपका वही फर्स्ट एंड लास्ट टर्म वाला कॉन्सेप्ट फॉर्मूला लगेगा सम का, ये वाला एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये भी एक सम का फॉर्मूला है, ये वाला यूज होगा यहाँ पर। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन, द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म जैसे ही दिखे और सम की बात हो तो ये वाला फॉर्मूला आप विजुलाइज करना शुरू कर दिया करो। तो यहाँ बात हो रही है द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर ये एंड ये, तो फर्स्ट टर्म यानी ए की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 8, लास्ट टर्म यानी एल की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 65, ठीक है? लास्ट टर्म इफ द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज 730, उसके सम की वैल्यू भी दे रखी है 730 और पूछ रहा है कॉमन डिफरेंस, मतलब डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें डी की वैल्यू फाइंड करने से पहले हमें पहले ये सारी चीजें इस सम वाले फॉर्मूले में डाल के एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम, एन की वैल्यू, ठीक है? तो इसमें डाल के हम एन की वैल्यू फाइंड करते हैं, 730 एन बाई टू इसमें डाल रहा हूँ बस, ए की वैल्यू 8, लास्ट टर्म की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 65। सॉल्व करो इसको, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एन की वैल्यू आपकी आ जाएगी, करो इसको सॉल्व। चलो भाई मैं करता हूँ इसको सॉल्व, तो 8 प्लस 65 कितना होता है आपका 73, तो ये हो गया 730 इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 73, तो ये 10 टाइम्स चला गया और एन की वैल्यू ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एन की वैल्यू आ गई 20, तो एन की वैल्यू मिल गई हमें 20, एन की वैल्यू हमने निकाल दी 20, लेकिन हमें क्वेश्चन में किसकी वैल्यू चाहिए, कॉमन डिफरेंस यानी डी की वैल्यू चाहिए। तो अब हमारा ये वाला फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी से हम डी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमें क्या क्या पता है इस फॉर्मूले के लिए, हमें ए की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू, ये एल क्या होता है लास्ट टर्म यानी एन टर्म, ए की बात होती है, मैंने आपको बताया था ना ए एन या एल ए की बात होती है, तो ए एन की वैल्यू भी पता है, ए की वैल्यू भी पता है, एन की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी, तो टी की वैल्यू हम निकाल ही लेंगे, सारी वैल्यू पता है। तो बस डालो सीधे फॉर्मूले में, एन यानी लास्ट टर्म की वैल्यू 65, ए की वैल्यू 8, एन की वैल्यू अभी हमने सम वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट की, तो 20 - 1 19 और डी की वैल्यू हमने निकाल लिया। तो बस इसको सॉल्व करके हम नहीं निकाल सकते, कर लो सॉल्व, पहले तो इस 8 को हम उधर भेजेंगे, तो 65 - 8 कितना होता है 57, 19d, तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी 57/19 जो कि होता है 3, 3 टाइम्स में चला जाता है ना, 93 57 57, तो d की वैल्यू इसने क्वेश्चन में पूछी थी जो हमने निकाल दी, d की वैल्यू आएगी 3, ठीक है? तो आपने देखा इस क्वेश्चन में एक बार ये वाला सम का फॉर्मूला लगा, एक बार ये वाला फॉर्मूला लगा, ठीक है? इन दोनों फॉर्मूले से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके 3 मार्क में और 4 मार्क में भी आ सकते हैं, ठीक है? चलो और देखते हैं नेक्स्ट किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। चलेगा ये वाला क्वेश्चन भी देखते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुके हैं और ये वाला क्वेश्चन 2013 में बोर्ड्स में आपके आ चुका है, 2013 में ये वाला क्वेश्चन। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन की अप्रोच क्या होती है सॉल्व करने की। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी, नाइन्थ टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 8d, ये तरीका होता है लिखने का, एक कम करके 9 - 1 8, क्योंकि फॉर्मूला ये होता है ना, बार बार बता रहा हूँ, ऐसे फॉर्मूला होता है, एन की वैल्यू 9 है तो 9 - 1 8 हो जाएगा ए प्लस 8d, ठीक है? तो जब भी टर्म आओ उसको एक कम करके हम उसको जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ लिख दिया 9 टर्म यानी ए प्लस 8d। तो कह रहा है 9 टर्म ऑफ एन एपी इज मतलब इज इक्वल टू 6 टाइम्स
इट्स सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस डी, वही जैसे 2 माइनस 1 या 9 माइनस 1 8 किया, तो यहाँ सेकेंड टर्म है तो 2 माइनस 1 यानी कि 1 हो गया, 1d। तो ये हमें कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी है। और दूसरी कंडीशन दे रखी है इफ फिफ्थ टर्म इज 22, तो फिफ्थ टर्म क्या होता है, ए प्लस 4d, वही 5 माइनस 1 4, उसकी वैल्यू दे रखी है 22। तो ये हमें दो चीजें, दो कंडीशन दे रखी है, एक कंडीशन ये दे रखी है, एक कंडीशन ये दे रखी है, और हमें कह रहा है एपी फाइंड करो। भाई एपी फाइंड करो, कैसे करोगे बताओ। तो भाई जो ये पहली वाली कंडीशन है, ये वाली जो मैं बॉक्स में बना रहा हूँ, इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। करो इसको, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, ऑरेंज कलर से। तो ये है ए प्लस 8d इक्वल्स टू, इसको ब्रैकेट को सॉल्व करो, 6a प्लस 6d, ठीक है। इस ए को उधर भेजूंगा तो यहाँ आ जाएगा 5a, इस 6d को उधर भेजूंगा तो यहाँ आ जाएगा 2d। तो यहाँ से मैं ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, ए की वैल्यू आ जाएगी 2d/5, ए की वैल्यू 2d/5, तो ए इज इक्वल टू 2d/5, ये आप मान के चल लो। अब आप क्या करो, इस ए की वैल्यू को, ये जो सेकंड कंडीशन है, इसमें डाल दो, बस यही कर रहा हूँ मैं। तो इस ए ए प्लस ए की वैल्यू 2d/5 जो हमने फर्स्ट कंडीशन से निकाली है, इसको हम सेकंड कंडीशन में डाल दो बस। तो डालो ए की वैल्यू 2d/5 प्लस 4d इक्वल्स टू 22। तो अब इसको सॉल्व करो नॉर्मल मैथ्स की तरह, इसका एलसीएम लिया 5, ये ऊपर बचा 2d, यहाँ 5 4 20 20d इक्वल टू 22। मैं इसको सॉल्व करता जा रहा हूँ, यहाँ आगे कर रहा हूँ। तो 2d प्लस 20d कितना हो गया, 22d इक्वल टू, ये 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 22 × 5 110। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 110/22, जो कि कट के एग्जैक्टली 5 टाइम्स में कटेगा। तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई 5, d की वैल्यू आ गई 5, तो d की वैल्यू आ गई। और हमें कोई भी एपी फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, हमें सिर्फ दो चीज़ चाहिए होती है, एक तो ए यानी कि इनिशियल टर्म और एक डी। तो हमें डी तो मिल गया, अब हमें ए और चाहिए। कोई भी एपी फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए होती है, ए यानी कि फर्स्ट टर्म या इनिशियल टर्म, और डी यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ हमें डी तो मिल गया, अब हमें ए और फाइंड करना है। तो क्या करना है आपको, बस इस डी की वैल्यू को आप इसमें पुट कर दो, ये जो सेकंड कंडीशन है, ए भी मिल जाएगा। तो बस इस डी की वैल्यू को हम इसको सेकंड कंडीशन में पुट कर रहे हैं। तो देख लो ये पिंक कलर से मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ए प्लस 4d, तो d की वैल्यू मैं पुट करूंगा, तो 4 × 5 20 इक्वल टू 22। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 20, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 2। तो a की वैल्यू भी पता है, d की वैल्यू भी पता है, अब ap निकाल लो बस। तो a यानी कि फर्स्ट टर्म 2, 5 5 ऐड हो रहा है यानी 2 + 5 7, फिर 5 ऐड होगा, 7 + 5 12, और ऐसे ap चलेगा। तो बस ये फाइंड कर दिया हमने, ap 2 7 12, और ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चनों को समझ के और स्टेप बाय स्टेप करते जाना है, मैथमेटिक्स रूल करना है, बेसिक करना है, इधर उधर दिमाग नहीं चलाना, ठीक है। चलो और देखते हैं नेक्स्ट। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ इट्स फर्स्ट 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। तो इसमें देखो हमें बेसिकली सम वाला फॉर्मूला यूज होगा हमारा, वो तो क्वेश्चन से क्वाइट अपेरेंट है, क्लियरली हमें पता ही है कि सम की बात चल रही है। तो सम का पहले तो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ आपके सामने, यही होता है ना, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1d, एन माइनस 1d, ये आपका सम का फॉर्मूला होता है। तो इसमें देखो यूज होगा, तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, लिखा हुआ है द सम ऑफ द फर्स्ट 7th टर्म इज 49। तो यानी कि 7 टर्म का सम दे रखा है, यानी S7 की वैल्यू बता रखी है 49 है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड दैट ऑफ इज फर्स्ट 17 टर्म इज 289, और S17 की वैल्यू भी दे रखी है 289, यहां तक बात क्लियर है। और पूछ रहा है सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म, यानी एस एन की वैल्यू पूछ रहा है, यानी ये वाले फॉर्मूले की वैल्यू पूछ रहा है। तो इस वाले फॉर्मूले को निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, हमें हमें ए की वैल्यू चाहिए, डी की वैल्यू चाहिए, तभी तो निकाल पाएंगे हम, ठीक है। ए की वैल्यू चाहिए और डी की वैल्यू चाहिए। तो हमें ये जो दो कंडीशन दे रखी है कि सम ऑफ 7 टर्म इज इक्वल टू 49 और सम ऑफ 17 टर्म इज इक्वल टू 289, इन दोनों से हम ए और डी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, तो वही क्वेश्चन है बस आपका। तो ये S7 की वैल्यू 49 है, तो बस यही वाला फॉर्मूला लगेगा। तो डायरेक्ट ला रहा हूं मैं S7 की जगह यहां पर 49, n by 2, तो n यहां पर ये 7 है, 7 by 2, 2a, 2a plus n minus 1, 7 है n, तो n minus 1, 6 और d। तो ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, ये 7 से
सेवन टाइम चल जाएगा और ये टू उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 14 हो जाएगा। 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 60। तो एक इक्वेशन हमारी ये बन गई इस वाले से, 2a प्लस 60 इज इक्वल टू 14। सिमिलरली S17 से भी हम एक और इक्वेशन बनाते हैं तो वो भी कैसे बनेगी, S17 की वैल्यू 289 है तो 289 इज इक्वल टू n बाई 2, n क्या है यहाँ पर 17 तो 17 बाई 2। 2a प्लस n माइनस 1, n क्या है 17 तो 17 माइनस 1 16d। यहाँ तक ठीक है, इसको भी थोड़ा सा और सॉल्व कर लो आगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 17 17 जो होता है 289। अब देखो ये मैंने आपको बताया था कि आपको 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, तो मुझे पता था 17 का स्क्वायर 289 होता है, इसलिए मैंने फटाक से काट दिया। ठीक है, तो फास्ट कैलकुलेशन के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ बहुत सारी वीडियोस में कि आपको 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए और कम से कम 10 तक के क्यूब। ठीक है, चलो एनीवेज तो इसको सॉल्व कर लेना अपनी स्पीड पे। तो ये 17 होगा, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 34 और राइट हैंड साइड में बचेगा 2a प्लस 16d। तो अब आपकी ये इक्वेशन बन गई, मान लो इसको हमने फर्स्ट ले लिया था और ये वाली बन गई सेकंड। अब ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम किसी तरह से सब्ट्रैक्ट करके यहाँ से d की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे, भाई मुझे ये वाली सेकंड वाली इक्वेशन बड़ी लग रही है तो सेकंड माइनस 1 कर दो। सेकंड माइनस 1 करोगे तो ये 2a से 2a कट जाएगा, 16d माइनस 6d कितना होता है राइट हैंड साइड में 10d। माइनस कर रहा हूँ मैं सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, और 34 माइनस 14 कितना होगा 20। तो यहाँ से d की वैल्यू 2 आ जाएगी, ये सॉल्व करूंगा तो d की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो हमने ये वाला हमें n टर्म में निकालना था ना सम, तो इसके लिए हमें a और d की वैल्यू चाहिए होती, तो d की वैल्यू तो हमने निकाल दी 2। अब a की वैल्यू कैसे निकालोगे, भाई d की वैल्यू 2 आ गई, अब इस a की वैल्यू या तो इस इक्वेशन फर्स्ट में डाल दो या इसमें डाल दो, इन दोनों में कहीं भी डाल दो d की वैल्यू तो a की वैल्यू भी आ जाएगी। तो मैं ये वाली इक्वेशन छोटी है तो इसमें डाल देता हूँ d की वैल्यू, तो d की जगह 2 डालूंगा इसमें, तो बस डायरेक्ट लिख रहा हूँ 14 2a, d की जगह 2 डाला तो 6 इंटू 2 12, ये 12 उधर जाके माइनस में हो जाएगा तो 14 माइनस 12 2 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी। मैंने अपनी स्पीड पे कर दिया, अपनी स्पीड पे a की वैल्यू सॉल्व कर लेना। तो a की वैल्यू 1 आ गई, d की वैल्यू 2 आ गई, तो a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 2 दोनों चीजें आ गई। अब हम ये सीधे बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, खत्म, क्योंकि ये सम पूछ रहा था nth टर्म का, तो nth टर्म का फॉर्मूला ये होता है, तो a और d की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करो और वही आंसर होगा, कर लो फटाफट पुट। तो बस अब आपको a और d की वैल्यू अपने ये sn टर्म के फॉर्मूले में लाना है। ये कंफ्यूज मत होना क्यों हम ये sn टर्म के फॉर्मूले में डाल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, तो n टर्म का फॉर्मूला तो ये होता है n sn। ठीक है, तो a और d की वैल्यू ये आप पुट कर दोगे या मैं करके दिखाऊं, मेरे को पता है मुझसे ही करवाओगे तुम लोग। चलो मैं करता हूं, रुको ये थोड़ा सा साफ कर दूं नीचे से, फिर करता हूं। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करते हैं a और d की इस फॉर्मूले में, चलो जल्दी जल्दी करते हैं। तो sn n by 2 2 a की जगह 1 प्लस n माइनस 1 d की जगह 2। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, n बाय 2 ये 2 इंटू 1 2, ब्रैकेट खोल लो ये 2n और माइनस 2, तो ये 2 से 2 गया, तो ये आगे क्या बनेगा, ये 2n बचा तो मल्टीप्लाई हो गया 2n स्क्वायर बाय 2, फिर उसके बाद आपका ये n से n गया तो आपका बचा n स्क्वायर। बस ये पूछा थे, कर दिया सॉल्व, तो इसका आंसर क्या होगा n स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन, ये आपका आ चुका है क्वेश्चन 2016 में बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, और इस तरह के क्वेश्चन आपके और भी आएंगे, 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में पूछ सकता है इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, और देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ आ रहा है ना सब कुछ, वीडियो लंबी तो नहीं हो रही, पानी वानी पीना है? नहीं, मैं अपने आप से पूछ रहा था। तुम तो पढ़ते ही रहो, मैं तो पानी पीने के लिए भी टाइम नहीं होना चाहिए अभी। एनीवेज चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो यार, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये मैं बोलूं ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी गलत करते हैं बच्चे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आ चुका है आपके 2013 के बोर्ड एग्जाम्स में, ये क्वेश्चन आ चुका है, और ये सिंपल क्वेश्चन है फिर भी बच्चे गलत करते हैं, तो ये बताना यहाँ पर जरूरी है ताकि आप ना गलत करो अगर ये पेपर में आए तो। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज ये, तो मतलब एस एन सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म की बात हो रही है ना, तो एस एन की वैल्यू दे रखी है 3n स्क्वायर प्लस 4n, ये एस एन की वैल्यू क्वेश्चन में हमें दे रखी है, और पूछ रहा है ये 25th टर्म की वैल्यू, मतलब जो एपी चल रहा है उसके जो 25वां टर्म होता है, जैसे एपी होता है कोई भी एपी है, मान लो 1 2 3 भी एक एपी है, तो इसमें ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ऐसे जो 25th टर्म होगा उसकी वैल्यू पूछ रहा है ये, तो कैसे निकालोगे। तो इसको निकालने का तरीका पता क्या होता है, 25th टर्म की बात हो रही है ना, तो आप पहले सम ऑफ 25 टर्म कर दो और उसको सम ऑफ 25 24 टर्म से माइनस कर दो, तो आपको 25th टर्म की वैल्यू मिल जाएगी।
तो सम ऑफ 25th टर्म करो, सम ऑफ 24th टर्म करो, और दोनों को माइनस करो तो 25th टर्म आ जाता है। तो इसी तरह से अगर मैं बोल देता कि 16th टर्म की वैल्यू बताओ, क्वेश्चन में 25th है लेकिन एक और एग्जांपल, अगर 16th टर्म की वैल्यू पूछी होती तो सम ऑफ 16th टर्म करते, उसके बाद सम ऑफ 15th टर्म करते और उन दोनों को आपस में से माइनस कर देते तो आपकी 16th टर्म की वैल्यू आ जाती। तो ये तरीका है इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने का। बस हो गया काम आपका, ये समझ आ गई तो बात। तो 25th टर्म की वैल्यू ये होगी कि सम ऑफ 25th टर्म की वैल्यू माइनस सम ऑफ 24th टर्म की वैल्यू करोगे तो 25th टर्म की वैल्यू आ जाएगी। तो सम का फॉर्मूला हमारा ये रहा, ठीक है। तो बस अब क्या करो, यहाँ ये एस एन की हमें कंडीशन दे रखी है, तो हमें पहले 25th टर्म निकालना है, तो एन की जगह 25 डालेंगे, तो एस 25 3, एन की जगह 25 डाला, उसका स्क्वायर प्लस 4, एन की जगह 25 डाला। उसको सॉल्व करो भाई, 25 का स्क्वायर मुझे डायरेक्ट याद है, आप अपनी स्पीड पे करो, 625 होता है, तो 3 इंटू 625 4 इंटू 25 100 होता है, इतना तो पता होना चाहिए आपको जल्दी क्विक। अब इसको 3 को 625 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1800 प्लस 1875 प्लस 100 यानी कि 1975। तो एस 25 की वैल्यू मिल गई हमें 1975। इसी तरह एस 24 की वैल्यू भी निकाल लो, और फाइनली तो हमें एस 25 माइनस एस 24 करना है, क्योंकि हमें 25th टर्म पूछ रहा है और यही तरीका होता है करने का, है ना। तो एस 24 भी ऐसे ही निकाल लो ये कंडीशन में जो ये क्वेश्चन में दे रखी है। तो एस 24 यहाँ ब्लू कलर से लिख रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, 3 एन की जगह 24 का स्क्वायर प्लस 4 एन की जगह 24। सॉल्व करो इसको, 24 का स्क्वायर कितना होता है जल्दी बताओ मुझे। 24 का स्क्वायर जो होता है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है पहले, वो भी मुझे याद है, मैंने आपको कहा था 30 तक के स्क्वायर याद कर लो। तो 24 का स्क्वायर होता है 576, तो आपको भी याद होना चाहिए अगर क्विक आपको कैलकुलेशन सीखनी है तो। प्लस 24 इंटू 4 कितना होता है 96, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 576 कितना होता है, तो जब 3 और 576 को मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 1500 1728 प्लस 96, 1728 प्लस 96 को आप ऐड करो तो 1824 आ गया। तो S24 की वैल्यू आ गई 1824, S25 की वैल्यू हमने निकाल दी 1975। बस अब इन दोनों को माइनस कर दो तो वही आपके क्वेश्चन में पूछा था, 25th टर्म आ जाएगा। तो माइनस कर दो भाई, 1975 को 1824 से माइनस कर दो। जब आप इसको माइनस करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वही 25th टर्म होगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 151। आप माइनस कर लेना अपनी स्पीड पे, तो 25th टर्म की वैल्यू होगी 151, और ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। समझ आया क्वेश्चन ये वाला, बताओ मुझे जल्दी। जल्दी तो नहीं बता दिया मैंने, इस तरह के क्वेश्चन ही आएंगे एपी में से आपके, ऐसे कंडीशन दे देगा। आप बस देखो फॉर्मूले हमारे वही हैं, हमारे बस करने का तरीका हमारा समझ आना चाहिए, हमें जो क्वेश्चन में लिखा है उसको ठंडे दिमाग से पढ़ के और वो स्टेप बाय स्टेप करते रहना है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं, चलिए गाइस ये वाला क्वेश्चन देखो। ये वाला क्वेश्चन भी कई बार, 3-4 बार आपके बोर्ड्स एग्जाम में आ चुका है, 15 में 16 में ये वाला एग्जाम, ये वाला क्वेश्चन 15 में और 16 में और भी कई बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, और भी कई बार बोर्ड्स एग्जाम में आ चुका है। और ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें जो ट्रिक वाली बात है वो भी आपको मैं बताऊंगा, और दूसरी बात ये गलत कर देते हैं बच्चे, और ये आता है आपके आई थिंक 4 मार्क्स में आता है वाला, तो सीधे 4 मार्क्स का फटका लगता है अगर गलत कर दोगे तो, है कि नहीं। तो इसलिए समझ लो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा गलत कर देते हैं बच्चे। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कहता है इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ टू एपीज इज ये, तो कहने का मतलब दो एपी है, उन एपीओ का जो सम है यानी एस एन वाला फॉर्मूला, क्या होता है एस एन का फॉर्मूला, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, यानी जो सम का फॉर्मूला होता है वो ये होता है हमारे पता है एपी का, तो उस सम का रेशियो दे रखा है ये दो एपीओ का, देखा मैंने टू एपी, तो दो एपी चल रही है, उन दो एपीओ का जो सम है यानी ये वाला जो सम निकालेंगे उसका रेशियो दे रखा है ये, ठीक है। तो दो एपीओ का सम का रेशियो है ये 7n+1 ये और 4n+27। अब एक बार बताओ दो एपी है तो हम इन दो एपी को डिफरेंशिएट कैसे करें, तो कोई भी एपी डिफरेंशिएट होती है दो चीजों से, एक तो ए यानी कि उसका फर्स्ट टर्म और डी यानी कि कॉमन डिफरेंस, ये दो चीजें अलग अलग होंगी इन दोनों एपीओ की, तो हम यही कर लेते हैं। तो हम इस फॉर्मूले डालते हैं एन बाय टू, तो पहली वाली को हम ए से नॉर्मल जैसे टू स्मॉल ए है या बड़े ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं ऊपर वाली को, तो 2a क्योंकि a और d यानी कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अलग होना चाहिए, तो इस फॉर्मूले में a जो है वो हमने बड़ा a कर लिया, 2a प्लस n माइनस और d भी बड़ा कर लेते हैं, ये वाला फॉर्मूला अपॉन उस वाली को छोटा ही a लिख लेते हैं, 2a प्लस
एन माइनस वन डी। तो अब हम ये कह सकते हैं दोनों एपी अलग अलग है और इनका रेशियो तो दे रखा है क्वेश्चन में, 7n प्लस 1, 4n प्लस 27। यहां तक कोई दिक्कत? क्यों किया मैंने ये? भाई ये दो एपी है ना, तो दोनों एपी का फॉर्मूले में अगर डालेंगे तो उनका ए और डी तो अलग अलग ही होगा ना, तो वही ए को, इसका ए बड़ा ए है और डी बड़ा डी है, और इसका ए स्मॉल ए है और ये स्मॉल डी है, तो ये डिफरेंशिएट कर दिया दोनों एपी को और उसका रेशियो दे रखा है ये, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड करो रेशियो ऑफ द mth टर्म, रेशियो मतलब mth टर्म का रेशियो। तो mth का फॉर्मूला क्या होता था? ये होता था an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, nth टर्म वाला फॉर्मूला होता था। यहां पर mth टर्म का हमें फॉर्मूला फाइंड करना है, तो फॉर्मूला ये है, तो हमें इस सम वाले रेशियो से ये वाला रेशियो फाइंड करना है, nth टर्म वाला है, ये सम वाला रेशियो दे रखा है, हमें ये वाला रेशियो फाइंड करना है। समझ रहे हो ना क्वेश्चन? बहुत डिटेल में आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे? तो हम सबसे पहले इसके पास ट्रिक ये है इसमें, जहां बच्चे गलत करते हैं, कि इसमें अब आप क्या करो, हमें mth टर्म फाइंड करना है m। तो हम बस एक सिंपल सी चीज करेंगे कि जहां जहां n है इस पूरे रेशियो में जो दे रखा है क्वेश्चन में, n की जगह हम पुट कर देंगे 2m माइनस 1, बस यही ट्रिक था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। पुट n इज इक्वल टू 2m माइनस 1। हम क्यों कर रहे हैं 2m माइनस 1? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि रेशियो ऑफ mth टर्म, तो m हम कहीं तो लाएंगे ना, तभी तो m टर्म के वो रेशियो आएगा। तो हमने n की जगह 2m माइनस 1 डाल दिया। अब बस ये जो रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में, इसमें जहां जहां n है वहां पर 2m माइनस 1 डालो और सॉल्व करो। तो मैं डालता हूं, चलो अब 2m माइनस 1, ठीक है, डालो भाई, जहां जहां n है वहां पर 2m माइनस 1। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले ये n बाई 2 n बाई 2 तो कट ही जाएगा, दोनों ही nn है, ठीक है। अब बाकी यहां मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ, जगह बनाता हूँ ताकि आराम से लिखूं, ठीक है भाई। तो हम n की जगह 2m माइनस 1 डालेंगे, ये n बाई 2 n बाई 2 कट गया, तो डालते हैं, यहाँ कर रहा हूँ सॉल्व, ठीक है, ऑरेंज कलर से। तो 2a प्लस ये n की जगह 2m माइनस 1 डालूंगा, तो 2m माइनस 1 और माइनस 1 ये वाला, तो माइनस 2 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ 2m माइनस 2, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये d अपॉन में, यहाँ पर भी सेम एज इट इज, 2a प्लस n की जगह 2m माइनस 1 और वो 2 रहेगा, और ये d इज इक्वल टू, यहाँ पर भी राइट हैंड साइड में भी n की जगह 2m माइनस 1, तो 7 2m माइनस 1 प्लस 1 अपॉन में 4 2m माइनस 1 प्लस 27। अब इसको सॉल्व करते हुए चलो, बस अब इसमें पूरे में मुझे क्या कॉमन दिख रहा है बताओ, इस पूरे में, इस पूरे में मुझे 2 कॉमन दिख रहा है, तो ऊपर 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, a, ये बचेगा ना भाई, दिख रहा है ना, 2 कॉमन ले लूंगा, तो a प्लस m माइनस 1 d, a प्लस m माइनस 1 d अपॉन में, यहां पर भी सिमिलरली 2 कॉमन दिख रहा है, तो स्मॉल a प्लस m माइनस 1 स्मॉल d इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में भी कुछ सॉल्व वॉल्व कर दो ये ब्रैकेट वगैरह खोल के, तो ये हो जाएगा 14m माइनस 7 और प्लस 1 यानी कि माइनस 6। तो इसको मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, आप अपनी स्पीड पे सॉल्व कर लेना, 14m माइनस 6, मैंने कुछ नहीं किया, बस ये ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व किया। अपॉन में नीचे भी ऐसी 8m माइनस 4, तो 8m प्लस 23 हो जाएगा, ये 8m प्लस 23 m में आ जाएगा रेशियो। अब ये देख लो, आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो चुका है, बस यहाँ पर मैं कह रहा था ना, जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन उतना ही है, mth का टर्म का रेशियो पूछा रहा था। अब ये देखो, ये फॉर्मूला बन गया 2a प्लस m माइनस 1d, जो हमारा ये वाला फॉर्मूला होता था nth टर्म वाला, वही तो बन रहा है ये 2a प्लस m माइनस 1d, 2a प्लस m माइनस 1d, और रेशियो हो गया जिसमें एक बार ये a और d अलग है, ये वाला ap, और जिसमें स्मॉल a और स्मॉल d ये वाला ap, तो इन दोनों का रेशियो है ये रहा, और यही तो रेशियो पूछा था ये mth टर्म का, तो mth टर्म का रेशियो मिल गया हमें 14m माइनस 6 अपॉन 8m प्लस 23, और यही है इसका आंसर। इसको रेशियो के फॉर्म में ऐसे लिख लो, 14m माइनस 6 इज टू 8m प्लस 23, ये है इसका आंसर। बोलो, बिल्कुल डिटेल में और आराम से समझाने की मैंने आपको कोशिश की है, और ये क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स में आता है और बच्चे गलत कर देते हैं, जबकि कुछ नहीं है इसमें, बस इसमें ट्रिक क्या थी आपको, कि n की जगह 2m माइनस 1 डालना था आपको। क्यों डालना था? क्योंकि mth टर्म पूछ रहा था, अगर यहाँ पर pth टर्म पूछ रहा होता तो m की जगह n की जगह 2p माइनस 1 डाल लेते, ठीक है, हमें तो उस टर्म में लाना है ना, समझ गए? इसको दोबारा सुन लेना अगर समझना है तो, बैक करके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। चलिए, ये वाला क्वेश्चन देखो, इस टाइप का क्वेश्चन तो मैं आपको अभी करा चुका हूँ, ये 16 क्वेश्चन है ना।
पहले करा चुका हूँ, पर एक बार और देख लो, ये 4 मार्क में आ चुका है आपके 2012 के बोर्ड में एग्जाम में, और भी आता रहता है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, द 17th टर्म ऑफ एन एपीस। इसमें वही एक तरह से वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है, जैसे जैसे आपको वर्ड प्रॉब्लम कह रही है वैसे वैसे करते जाओ। और मैंने आपको एक बताया था प्रीवियस वीडियोस में भी कि जब हम वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन के फॉर्म में या सॉल्व कर रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है इज इक्वल टू, जहां जहां इज होता है वहां पर इज इक्वल टू डाल देते हैं, समझ रहे हो, और मोर देन में प्लस कर देते हैं, मोर देन मतलब प्लस, ठीक है, इज मतलब इज इक्वल टू, मोर देन मतलब प्लस, ट्वाइस मतलब तो टू होता ही है, ठीक है। चलो देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं अब हम आराम से और इक्वेशन बनाते हैं। तो लिखा हुआ है द 17th टर्म ऑफ एन एपी, तो 17th टर्म ऑफ एन एपी इज 5 मोर देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म, ट्वाइस मोर देन। तो 17th टर्म, हमें फॉर्मूला कौन सा पता है एन टर्म का, ये होता है ना ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, हमारा फॉर्मूला होता है। तो इस हिसाब से 17th टर्म क्या होता है, एन की जगह 17 डालेंगे तो 17 माइनस वन 16, तो 17 टर्म होता है ए प्लस 16 डी। तो ए प्लस 16 डी इज यानी कि इज इक्वल टू 5 मोर देन, तो 5 प्लस मोर देन ट्वाइस यानी कि 2 टाइम इट्स 8th टर्म, तो 8th टर्म बनी ए प्लस 7 डी हो जाएगा। तो ये बन गई इक्वेशन, बन गई पहली इक्वेशन ना, इसको सॉल्व कर लो पहले। चलो आगे पढ़ते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, आगे पढ़ते हैं। इफ द 11th टर्म ऑफ एन एपी इज 43, तो 11th टर्म क्या होता है ए प्लस 10d, ये समझ आ रहा है ना, 11 माइनस 1 या n माइनस 1 10d, तो a प्लस 10d की वैल्यू दे रखी 40 थी, इज मतलब इज इक्वल टू 43। तो ये दो इक्वेशन बन गई, और क्या पूछ रहा है, फाइंड इट्स nth टर्म, तो ये हमें nth टर्म की वैल्यू चाहिए। तो nth टर्म की वैल्यू के लिए चाहिए हमें a चाहिए होगा और d चाहिए होगा, तो a और d की वैल्यू हम इन दोनों इक्वेशन से हम सॉल्व करेंगे, a और d की वैल्यू उसके बाद इस फॉर्मूले में डाल देंगे और वही आपका आंसर होगा। तो अब इन दोनों इक्वेशन को यूज करके हमें ए डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले इस फर्स्ट वाली को हम सॉल्व करते हैं, तो मैं इस फर्स्ट वाली को यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। तो ए प्लस 16 डी इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड, 5 प्लस ये ब्रैकेट खोलते हैं तो 2a और 17 जो 14 प्लस 14d। अब ये इस ए को इधर भेजेंगे, मतलब इसको सॉल्व कर दो एक साइड ले जाओ, तो इस ए को उधर भेजेंगे तो ये ए हो जाएगा, इस 14d को उधर भेजेंगे तो ये 2d हो जाएगा, तो 2d इज इक्वल टू ए प्लस 5, ये हो गया हमारा, या a इज इक्वल टू 2d माइनस 5, कुछ भी बोल लो, a इज इक्वल टू 2d माइनस 5। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट वाले को सॉल्व करके। अब इस a इज इक्वल टू 2d माइनस 5 की वैल्यू अगर मैं यहाँ डालूं इस वाली में सेकंड में, तो मैं d की वैल्यू आ जाएगी, तो हम a की वैल्यू इस सेकंड वाले में डाल रहे हैं, तो 2d माइनस 5 कुछ नहीं कर रहा, मैं सेकंड वाले में डाल रहा हूँ इस a की वैल्यू जो हमने फर्स्ट से निकाली है, तो 2d माइनस 5 प्लस 10d इज इक्वल टू 43। तो 10d प्लस 2d 12d और ये 5 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो 48, तो d की वैल्यू आ गई 48 अपॉन 12 जो कि होता है 4। तो देख लो d की वैल्यू तो मिल गई हमें 4। अब इस d की वैल्यू को आप इसमें डाल दो, इसमें डाल दो, कहीं भी डाल दो, आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं इसमें डाल देता हूँ, अगर d की वैल्यू यहाँ डाल देता हूँ, कहीं भी डाल दो, इसमें भी डाल सकते हो, इसमें भी डाल सकते हो, इसमें भी डाल सकते हो। तो d की वैल्यू मैं 4 डाल रहा हूँ, तो 4 टू जा 8 और 8 माइनस 5 3, तो a की वैल्यू आ गई 3। तो हमें a की वैल्यू भी मिल गई, d की वैल्यू भी मिल गई। तो अब हमें a और d दोनों की वैल्यू पुट कर दी, मिल गई। तो अब इसमें पुट कर दो, क्योंकि हमें nth टर्म पूछा था ना, nth टर्म, तो nth टर्म का फॉर्मूला ये होता है a plus n minus 1d। तो इसमें बस हम वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पर, तो पिंक कलर से यहाँ मैं कर रहा हूँ। तो a n की वैल्यू हमें चाहिए, तो a की वैल्यू हमने निकाली यहाँ 3 प्लस एन माइनस 1 और d की वैल्यू निकाली 4। इसको सॉल्व कर दो भाई, 3 प्लस 4n माइनस 4, तो 4n माइनस 1, तो 4n माइनस 1 इसका आंसर होगा, 4n माइनस 1, ये है आपका nth टर्म की वैल्यू जो कि ये पूछा था, 4n माइनस 1, और ये आपका आंसर, समझ आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन वैसे तो मैं पहले करा चुका हूँ, ये थोड़ा सा घूम फिर के था। तो इसमें जो बच्चों के लिए चैलेंजिंग पार्ट ये था कि ऐसे प्रॉब्लम पढ़ के हमें ऐसे इक्वेशन तक पहुंचना, सॉल्व तो कर देते हैं पर ये इक्वेशन जो हमने बनाई है ये नहीं बना पाते। तो मैंने बोला आपको कि वर्ड प्रॉब्लम में इसका मतलब होता है इज इक्वल टू, मोर देन यानी कि प्लस, फिर जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसको पढ़ के वैसे वैसे आप इक्वेशन बना सकते हो, ठीक है। इसको प्रैक्टिस से हम और करेंगे, पर अभी देख लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं। कुछ और क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड्स में आ सकते हैं, वो भी देखते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो भाई, एक ये क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके आते हैं बहुत, इस टाइप के क्वेश्चन 3 नंबर या फिर 4 नंबर में आ जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन, या तो 3 मार्क्स में आएगा या 4 मार्क्स में आएगा। और ये ऑलरेडी आ चुका है इस तरह के क्वेश्चन आपके 2015 में, और आपके मतलब आते रहते हैं
17 में, 16 में भी आया है, 11 में भी आया है, 13 में भी आया है, ये बोर्ड में ये वाला क्वेश्चन। तो ये इसमें करना क्या है, देखो इसमें बेसिकली क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले हम। इफ एस एन डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी, प्रूव दैट, हमें बस ये प्रूव करना है बेसिकली इसमें, और कुछ नहीं करना। और एस एन का फॉर्मूले में फॉर्म करना है, तो सबसे पहले तो एस एन यानी सम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये तो हमें अब तक याद ही हो जाना चाहिए, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन टी, ये होता है ना फॉर्मूला, बस इसी फॉर्मूले का काम है। और हमें ये प्रूव करना है, तो हम पहले S30 इज इक्वल टू 3 S20 माइनस S10, तो हमें ये प्रूव करना है बेसिकली। तो हमें क्या क्या चाहिए होगा, हम पहले S30 की वैल्यू निकालेंगे, S20 की वैल्यू निकालेंगे, S10 की वैल्यू निकालेंगे, और फिर ये कंडीशन प्रूव कर देंगे। तो सिंपली यही काम करना है, फॉर्मूला हमें पता ही है। तो सबसे पहले हम S30 की वैल्यू देखते हैं क्या आती है, तो एन की जगह 30 डालेंगे, तो S30 इज इक्वल टू एन की जगह 30 डालेंगे, तो 30/215 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको। 2a, तो 2a एन की वैल्यू या 30, ये 30 की बात हो रही है, तो 30 माइनस 1 29t, इसको और सॉल्व कर लो तो ये होगा 15 × 2 30a प्लस 15 × 29, कितना होता है बताओ, 15 × 29 होगा 290 प्लस 144 145, यानी कि 435 435t। तो S30 की वैल्यू हमने निकाल दी भाई, ये बॉक्स में बना रहा हूँ, S30 की वैल्यू आ गई 30a प्लस 435t। अब निकालते हैं S20 की वैल्यू, इसी तरह करना है ठीक है। तो यहाँ पर मैं ग्रीन कलर से S20 की वैल्यू निकाल देता हूँ, फॉर्मूला हमें पता ही है, एन की जगह 20 डालेंगे, अब 20/2 10 हो जाएगा, 2a प्लस एन की जगह 20 डालेंगे क्योंकि S20 की वैल्यू निकाल रहे हैं, 20 माइनस 1 19 दी, तो इसको भी सॉल्व कर लो भाई, अंदर ब्रैकेट वगैरह सॉल्व कर दो, तो 10 × 2 20a प्लस 10 × 19 190 डी, तो आ गई S20 की वैल्यू भी आ गई, इसको भी बॉक्स में बना देता हूँ। और क्या चाहिए हमें, S10, चलो भाई S10 की वैल्यू भी निकाल देते हैं, क्या डरने वाली बात है, या गया S10। सिमिलरली यही अपना फॉर्मूला, एन की जगह 10 डालेंगे, 10/2 5 डायरेक्ट लिख दिया, 2a ठीक है, दिख रहा है ना सब कुछ, प्लस एन की जगह 10 डालेंगे, 10 माइनस 1 9 9t, इसको भी ब्रैकेट खोल के सॉल्व करो, 5 × 2 10a 5 9 5 × 9 45d, तो ये आ गई S10 की वैल्यू ठीक है। तो हमें S10, S20, S30 तीनों की वैल्यू हमने निकाल ली भाई, अब बस हमें ये प्रूफ करना था, ये कर दो भाई इसको प्रूफ, अभी तो ये प्रूफ करने का ही काम है ना, अब तो सी वैल्यू पुट करनी है इस कंडीशन में, जो क्वेश्चन में दे रखा है यही तो प्रूफ करना है हमें। तो करते हैं, S30 की जगह ये डालेंगे, 30a प्लस 435d डाल दें, 30a प्लस 435d इक्वल्स टू 3, ये 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में S20, S20 की वैल्यू क्या है, ये 20a प्लस 190d माइनस S10 की वैल्यू, यानी ये 10a प्लस 45d, 10a प्लस, जब हम 10a प्लस 45d करेंगे तो हमने माइनस कर रहे हैं, तो ये 45d भी माइनस में हो जाएगा क्योंकि बीच में माइनस है ना, तो 10a माइनस 45d। सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, तो 3 ट्वेंटी ए और 10a माइनस में है, तो 20 और -10 टी हो जाएगा 10a, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 190d और -45d कितना हो जाएगा, 145d, यही होगा ना, तो ये हो जाएगा प्लस में 145d, और राइट ये लेफ्ट में तो 30a प्लस 435d चल ही रहा है आपका ठीक है। अब ये ब्रैकेट में जो हमारा है इसको भी सॉल्व कर दो, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ ब्लू कलर से इसको सॉल्व, तो 3 × 10 यानी कि 30a और 3 × 145 यानी कि 435d, ये देख लो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, ये देखो ना 30a प्लस 435d, और यहाँ भी आ गया 30a प्लस 435d, तो इसका मतलब ये हमने प्रूव कर दिया, यहाँ पर ये दोनों प्रूव कर दिया, तो हेंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन इजी था, बस इसमें ये प्रूव रूप करके दिखवा रहे हैं आपसे, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं पर मुश्किल तो मैं नहीं बोलूंगा इसको ठीक है। समझ आ गया नहीं वाला क्वेश्चन, मैं उम्मीद करूँ समझ आ गया होगा तुम्हें। पानी पी लूँ थोड़ा सा, चले और देखते हैं थोड़े से और क्वेश्चन है, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे, ये वीडियो आपकी मतलब बहुत ही बोल सकते हो एक बहुत बड़ा गोल्ड है ये वीडियो, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके सारे पेपर में आने हैं जितने मैंने
कवर करवाएं। ये पूरी सीरीज चल रही है, प्लेलिस्ट में जाके आराम से देखो, ठीक है? तो देखते हैं नेक्स्ट 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 क्वेश्चन जो आपका आएगा बोर्ड्स में या प्री बोर्ड्स में। चलिए गाइस ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में करवा रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन बाय द वे 2016 में आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है 4 मार्क्स में, ये मैं बता दूं आपको। अब देखो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, घबराओ मत, लेकिन अगर आपको ये सॉल्व नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी मैं चाहता हूँ इसको आप ट्राई करो। मैं आपको एक हिंट देता हूँ इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को आप पॉज करके आराम से पढ़ना। इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है अगर आपने इक्वेशन बना ली, वरना बहुत डिफिकल्ट है, समझ रहे हो? अगर इक्वेशन बन गई तो ये सबसे इजिएस्ट क्वेश्चन है। ये पूरी पढ़ के, ये पूरी लाइनें पढ़ के, क्वेश्चन पढ़ के अगर आपने इक्वेशन बना ली तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर इक्वेशन नहीं बनाई तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे, मैं आप पे छोड़ रहा हूँ काम, तो आपकी इक्वेशन ऐसे बनेगी, सम ऑफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू सम ऑफ 49 माइनस सम ऑफ एक्स, ये आपकी इक्वेशन बनेगी। ये क्वेश्चन पढ़ो और मेरे को बताओ कि आप इस इक्वेशन तक पहुंचे हो, और ये क्वेश्चन पहुंच के फिर आपको सीधे बस सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू निकालनी है, और वही आपका आंसर होगा, ठीक है? तो इतना सारा हिंट मैंने दे दिया आपको, ये हिंट है आपका, प्लीज इसको ट्राई करना। मैंने जैसे कि बोला 2016 में आ चुका है 4 मार्क्स में, तो बहुत ही रिसेंट है, तो ये रिपीट हो सकता है आपका इस साल, ठीक है? इस तरह के क्वेश्चन जरूर करना। ये वाली इक्वेशन बनेगी आपको, ये जब पढ़ोगे क्वेश्चन तो ये वाली इक्वेशन बनेगी। अगर आप ये वाली इक्वेशन तक पहुंच गए तो फिर तो बस इसको सॉल्व करना है फॉर्मूले में डाल के। ये सम का फॉर्मूला लगेगा ना, ये वाला एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन टी, ये वाला फॉर्मूला इस पूरी इक्वेशन में डाल के बस सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? इसमें मेजर क्या, चैलेंजिंग पार्ट क्या है, ये इक्वेशन बनाना। तो ये क्वेश्चन पढ़ के अगर आप ये क्वेश्चन बना पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो इसका मतलब आपका ये क्वेश्चन हो गया, वरना नहीं हुआ, ठीक है? डन, छोड़ दो इसको, करोगे पक्का एज अ होमवर्क, ठीक है? तो फिर देखते हैं, अब हम लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का जो कि मैं करवा देता हूँ, वो भी वर्ड प्रॉब्लम ही है, और उसके बाद ये वीडियो खत्म करेंगे। और इतने क्वेश्चन आपके काफी है, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे अर्थमेटिक चैप्टर में से, एपी चैप्टर में से, इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं बोर्ड्स में। क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, पूछने का तरीका चेंज हो जाएगा, पर जो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन मैंने कराए उसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आएंगे, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन लास्ट देखते हैं, तो उसके बाद वीडियो कंप्लीट करेंगे, ठीक है? चलो देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट। चलिए गाइस ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन है और आपको इसको सॉल्व करना है, और ये आपके कौन से एग्जाम में आ रखा है, 2015 में आ चुका है, 13 में भी आया आई थिंक, बोर्ड्स के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आपका आ चुका है, ठीक है? तो वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में ये क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है, बस वर्ड प्रॉब्लम आपको समझना है। तो क्वेश्चन ये कहता है, रामकली रिक्वायर्ड 2500 रुपए आफ्टर 12 वीक्स टू सेंड हर डॉटर टू स्कूल। यहां तक क्वेश्चन समझ आया कि रामकली को 2500 रुपए की जरूरत है 12 हफ्तों के बाद अपनी बेटी को स्कूल में पहुंचाने के लिए, स्कूल में भेजने के लिए। 12 हफ्ते में उसको 2500 रुपए इकट्ठे करने बेसिकली, ठीक है? तो वो हर उसने शी सेव्ड 100 रुपए इन द फर्स्ट वीक, तो पहले हफ्ते उसने 100 रुपए इकट्ठे किए और इंक्रीज करती रही, एंड इंक्रीज हर सेविंग बाय 20 रुपीज एवरी वीक। तो पहले हफ्ते में 100 रुपए इकट्ठे किए और फिर हर हफ्ते 20-20 रुपए वो बढ़ाती गई। तो पहले हफ्ते 100 थे, तो दूसरे हफ्ते 120 हो गए होंगे, फिर तीसरे हफ्ते 20 रुपए और बढ़ गए होंगे, कह रहे हैं ना, 20 रुपए हर वीक बढ़ाती गई, तो फिर 140 सेव कर लिए होंगे, फिर चौथे हफ्ते में 160, उसके बाद 180, ऐसे चलते चलते उसने 12 हफ्ते तक उसने पैसे जमा करे होंगे। तो क्या कह रहे हैं कि वो 12 हफ्ते में 2500 रुपए जमा कर पाई होगी, पूछ रहा ना, फाइंड वेदर शी विल बी एबल टू सेंड हर डॉटर टू स्कूल आफ्टर 12 वीक्स। तो 12 हफ्ते में उसे 2500 रुपए जमा करने इस वाले एपी के हिसाब से। तो हम देख लेते हैं सम करके, क्या 12 हफ्तों में 2500 रुपए वो जोड़ पाई कि नहीं जोड़ पाई। तो बस सीधे सम का फॉर्मूला लगेगा, इसमें सम का फॉर्मूला ये वाला एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो हमें क्या क्या चाहिए होगा, ए चाहिए होगा, तो ए की वैल्यू यानी कि ये रहा फर्स्ट टर्म, ये एपी ये चल रही होगी ना 12 टर्म तक, तो ए की वैल्यू 100 हो गई। तो यहाँ पर देख लेते हैं ए की वैल्यू 100 लिख लेते हैं। डी की वैल्यू यानी कॉमन डिफरेंस 20-20 रुपए हर हफ्ते इंक्रीज हो रहे हैं, तो डी की वैल्यू +20 हो गई, यानी कि 20 लिखते हैं यहाँ पर। एन की वैल्यू 12 होगी, क्योंकि 12 हफ्ते तक चलेगा ये, 12 वीक्स तक चलेगा ना, हर हफ्ते 20-20 रुपए पड़ रहे हैं, तो एन की वैल्यू होगी 12। तो बस अब हम ये सम का फॉर्मूला डाल के देख लेते हैं, क्या वो 2500 रुपए जोड़ पा रही है कि नहीं जोड़ पा रही।
बस ये पता लगाना है। तो करते हैं भाई, सम के फॉर्मूले में ये सारी चीज़ें डालते हैं। इस फॉर्मूले में तो यहाँ पर मैं डालता हूँ, तो एस एन एन बाई टू, एन क्या है 12, 12 बाई 2 6 होता है, मैं डायरेक्ट 6 लिख देता हूँ। 2a, a की वैल्यू 100 है तो 100 इंटू 2 200 डायरेक्ट लिख दिया। प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू 12 है तो 12 माइनस 1 11, और d की वैल्यू 20 तो ये 20। अभी सॉल्व करके देखो, 6 कितना हो गया, पहले अंदर ब्रैकेट को सॉल्व कर दो, 6 को बाहर एज इट इज लिख दो, तो 200 और ये 11 इंटू 20 कितना होता है 220, तो 200 प्लस 220। यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ आगे का स्टेप, तो 6 200 प्लस 220 कितना होता है 420, तो 6 इंटू 420 कितना होता है 6 इंटू 420 होता है 2400, छोटे 120, 2520। तो ये 12 हफ्तों में आराम के लिए 2520 रुपये इकट्ठे कर पाई, और उसको चाहिए थे 2500 रुपये, तो इसका मतलब यस वो अपनी डॉटर को स्कूल भेज पाएगी। ये पूछ रहा था ना क्वेश्चन, फाइंड वेदर शी विल बी एबल टू सेंड हर डॉटर टू स्कूल आफ्टर 12 वीक्स, तो आंसर होगा यस, बिकॉज शी सेव्ड 2520 रुपीज एंड शी रिक्वेस्ट 2500 रुपये, सो शी विल बी एबल टू सेंड हर डॉटर टू स्कूल आफ्टर 12 वीक्स, तो इसका आंसर होगा यस। समझ आ गया नहीं? यहाँ पर ये क्वेश्चन पढ़ के हमें एपी बना ली थी, बस उसके बाद काम हो जाना था आपका, ठीक है? तो इसी के साथ आपकी होती है यहाँ पर ये वीडियो समाप्त। अब आप नेक्स्ट वीडियो में देखो, मैं नया चैप्टर करता हूँ आपके सामने, उसकी भी ऐसी एक कॉम्पैक्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हर टाइप के क्वेश्चन कवर कर लूंगा। इस ये जो वीडियो सीरीज चल रही है प्री बोर्ड के एक नाम से, इसमें फायदा पता है क्या है? सिर्फ प्री बोर्ड के लिए नहीं है, आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए भी है। उसमें फायदा है कि क्विक रिविजन का रिविजन हो जाएगा, सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और आपको सारे फॉर्मुलेज वगैरह भी रिवाइज हो जाएंगे थ्रू द क्वेश्चन, ठीक है? तो ये देखना बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट लो, अगर आपने कंटिन्यूसली वीडियो देखी है थोड़ा सा गाना वाना सुनो या कुछ एंजॉय करो, आँख मीच के लेटो, जो करना करो, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।